बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। माय नेम इज़ मैमूना सजाद। आज हमने करना है नेक्स्ट टॉपिक एफएसए पार्ट टू मैथमेटिक्स का, जिसमें हमारा है चैप्टर नंबर 1। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कुछ डेफिनेशंस की हैं और उसके रिस्पेक्टेड कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, यानी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज भी हम यही करेंगे। आज हम नेक्स्ट कोई डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारी आज की डेफिनेशन है इवन फंक्शंस की। इवन फंक्शन जी मैंने लिखी है, इवन फंक्शन। अ फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन एफ, इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मीन्स क्या है, उन्होंने कहा है कि हमारा फंक्शन इवन तब होगा जब हम एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह अगर माइनस वन पुट कर दें तो क्या होगा कि हमारे पास आंसर एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। क्या मैंने बताया है, अगर हम अपने फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दें तो क्या होगा कि हमारे पास जो आंसर है एफ ऑफ एक्स दोबारा आ जाएगा, मैं जो हमारा क्वेश्चन था वही दोबारा से हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा इस नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑड फंक्शन। क्या है, अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन से क्या समझ आता है कि अगर हम लोग क्या करें कि अपने फंक्शन में एक्स की जगह क्या करें, रिप्लेस कर दें माइनस एक्स, तो क्या हमारे पास आंसर आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स की फॉर्म का, यानी फंक्शन तो वही वाला दोबारा आ जाएगा लेकिन क्या होगा कि उसके साथ क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। तो ये इस टाइप का फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। चलें हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड। तो इसमें है एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर इसका 9 है। डिटर्मिन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज इवन और ओड। हमने बताना है कि ये जो दोनों फंक्शन है, यहाँ पे जितने फंक्शन हमें दिए गए होंगे इस क्वेश्चन में, इसके पार्ट्स में, हमने बताना है कि वो इवन है या ओड फंक्शन है या दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, चले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। हमारा ने फर्स्ट फंक्शन दे दिया, फर्स्ट यानी इसका पार्ट दिया इस क्वेश्चन का। इसमें क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, पहले रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, यानी एक्स को चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। सो हम क्या करेंगे, एक्स से क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स पुट कर देंगे इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी माइनस एक्स पुट किया एक्स की जगह, जहाँ जहाँ पे एक्स है ना हमारे पास, हमने वहाँ पे क्या करना है x की जगह क्या करना है माइनस एक्स पुट कर देना है। चलें अब करते हैं, क्या किया है, यहाँ पे x क्यूब था, मैंने x x की जगह क्या कर दिया माइनस एक्स पुट कर दिया प्लस, और यहाँ भी x जगह क्या कर दिया है माइनस एक्स कर दिया, यानी x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया है। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर के, x माइनस एक्स की पावर आ रही है क्यूब, तो अगर माइनस साइन इधर हो और माइनस साइन का हम क्यूब लें तो वो माइनस ही आता है, वो चेंज नहीं होता। अगर माइनस साइन का हम स्केयर लेते तो वो स्केयर प्लस में, सॉरी माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास क्यूब है तो माइनस साथ ही रहेगा, तो क्या ये बन गया माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस, यहाँ साइन मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस 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 एक्स बन जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया क्या बन गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स क्या था, हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही था, तो हमने क्या किया है माइनस लिखा और एफ ऑफ एक्स, ये जो हमारे पास चीज़ थी ये हमारे पास किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ पे हमने क्या किया एफ ऑफ एक्स लिख दिया, तो हमारे पास क्या है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें ज़रा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, हमारे पास यही चीज़ इस क्वेश्चन में बन रही है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है
एफ ऑफ एक्स यानी ये जो हमें फंक्शन दिया गया था ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अब हम लोग इवन एंड ऑड फंक्शन के रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा इसी पिछले क्वेश्चन का यानी जो क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, उन्होंने पार्ट दे दिया है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। हम इसको सॉल्व करते हैं, उन्होंने हमने इसको भी ये बताना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है या इन दोनों में से कोई भी नहीं है, हमने ये चीज़ बतानी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, पहले रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, यानी एक्स हमारे जो फंक्शन में एक्स हमें दिया गया है इसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। लेट्स स्टार्ट, एक्स के मैंने रिप्लेस कर दिया है माइनस एक्स से, जहाँ जहाँ पे मेरा एक्स था वहाँ मैंने क्या लिख दिया, माइनस एक्स लिख दिया। तो मेरे पास क्या बन गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जहाँ पर एक्स था यहाँ पे एक्स है यहाँ पे क्या आ गया माइनस एक्स प्लस टू एज इट इज आ गया का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, इसका मैं रफ वर्क यहाँ पे करती हूँ, माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेती हूँ, माइनस मैंने इस टर्म में से कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, एक्स माइनस टू बन जाएगा कि होल पावर टू आ जाएगी, ठीक है ना, इस तरह बनेगा ना। मैंने इस अंदर वाली चीज़ से मैंने क्या किया, माइनस मैंने क्या किया कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब देखिए मैं ये माइनस साइन का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। लेकिन ये देखिए ये हमारे पास ये चीज़ तो वापस आ ही नहीं रही, हमें तो ये चीज़ वापस चाहिए, चाहे इसके साथ क्या होना चाहिए कि माइनस साइन भी है। तो इसके लिए क्या है, तो इसलिए हमने क्या किया है कि सॉल्व करके बता दिया मैंने आपको, ये रफ वर्क था, ठीक है, सॉल्व करके बता दिया कि हम लोग एफ ऑफ एक्स दोबारा ला ही नहीं सकते। जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही नहीं आ रहा, अब मेरे पास ये चीज़ इस तरह बन रही है, क्या बना, माइनस एक्स प्लस टू की पावर क्या है टू है, तो नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जब एफ ऑफ एक्स ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या कि हमारा फंक्शन नाइदर इवन है और नॉर ऑड है, ठीक है, कि ये ना ही इवन फंक्शन है और ना ही ये क्या है ऑड फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इस क्वेश्चन नंबर 9 का हम 5 पार्ट करते हैं। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस 6। अब हमें इसको भी चेक करना है ये इवन है या ऑड है या इन दोनों में से कोई नहीं है। इसको भी ऐसे करेंगे रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, क्या करेंगे एक्स को रिप्लेस कर देंगे फर्स्टली माइनस एक्स से, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो 2 है, 2 हम 2 को अगर स्क्वायर को हम अंदर लें इसके साथ पावर को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 1 2 ही बनता है ना, तो मैंने क्या किया है कि स्क्वायर को माइनस एक्स की पावर में लिख दिया, यानी माइनस एक्स रेज टू पावर 2 बना दिया और उसकी होल पावर में क्या कर दिया 1/3 कर दिया। अब माइनस साइन का जब स्क्वायर माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा तो माइनस क्या है ख़त्म हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये चीज़ ये वाली चीज़ हमारी किसके इक्वल आ जाती है एक्स स्क्वायर की, तो ये 1/3 ऊपर पावर ऐसे रहेगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वही चीज़ दोबारा आ जाएगी, तो हमारे पास हमारा फंक्शन दोबारा जनरेट हो जाता है। तो ये क्या है इसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, सो हमारे पास क्या हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन जाता है, जो कि क्या है यहाँ से अगर देखें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि इसकी किसकी नोटेशन है इवन फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है इवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 के नेक्स्ट पार्ट आप पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोला। हमारे फॉर्मूलाज हैं साइन हाइपरबोला एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पार एक्स माइनस ई रेज टू पार माइनस एक्स ओवर टू। हमारे पास साइन एक्स साइन हाइपरबोला एक्स का फॉर्मूला है, हमने चेंज यहाँ पे क्या किया, हमें हमारे एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, हाइपरबोला साइन हाइपरबोला अलग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
और एक्स का साथ कोफिशिएंट क्या है, वन। ठीक है, तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में इसको सेट करना होता है, यानी पावर को इसके रिस्पेक्ट सेट करना होता है, कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट। मीन्स ई रेस्ट पर एक्स है, मैंने एक्स लिखा है यहाँ पे, पावर यानी यहाँ पे एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या था, वन था, इसलिए वन एक्स है। ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स, मैंने यहाँ पे जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो अपने पावर में लिखना होता है। मीन्स अगर यहाँ पे टू एक्स होता, साइन हाइपरबोला एक्स, सॉरी साइन हाइपरबोला टू एक्स अगर होता, तो मीन्स एक्स का कोफिशिएंट टू होगा, होना था, तो मैं यहाँ पे क्या लिखती, ई रेस्ट पर टू एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस टू एक्स ओवर टू, मैं इस तरीके से लिखती। ऐसे ही अब यहाँ पे कोफिशिएंट वन है, तो मैंने क्या लिखा, एक्स का कोफिशिएंट यानी पावर का कोफिशिएंट क्या है, वन लिखा, पावर के साथ क्या है, वन। नेक्स्ट हमारा है कोस हाइपरबोला एक्स, इसको इसका भी फॉर्मूला किस तरीके से, ऐसे ही जैसे पिछले वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स ओवर टू। डिफरेंस क्या है साइन और कोस हाइपरबोला में, कि यहाँ पे इस कोस में क्या है, मिड में प्लस आता है एंड साइन के मिड में क्या आता है, माइनस। ऐसे ही बस टैन टैन हाइपरबोला एक्स है, टैन बस इसके इक्वल होता है साइन ओवर कोस के। सो हम अगर इस तरह इसको सॉल्व करें, क्या लिखें कि टैन 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 हाइपरबोला इज इक्वल टू साइन हाइपरबोला ओवर कोस हाइपरबोला, यहाँ पे कोई एंगल होगा एक्स या कुछ भी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, साइन हाइपरबोला की वैल्यू उसको डिवाइड करूँगी, यानी ई रेस्ट बाय एक्स माइनस ई रेस्ट बाय माइनस एक्स ओवर टू डिवाइड बाय ई रेस्ट बाय एक्स प्लस ई रेस्ट बाय माइनस एक्स ओवर टू। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा साइन हाइपरबोला की ये वाली वैल्यू, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं कि हम इसके रिस्पेक्ट सॉल्व कर। मैंने क्या किया कि साइन हाइपरबोला एक्स की वैल्यू लिखती एंड कोस हाइपरबोला एक्स की वैल्यू लिखती है, टू और टू यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये चीज़ बनती है ना, ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास टैन हाइपरबोला की हाइपरबोला एक्स की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि इनके इन्वर्स फंक्शन भी बता सकते हैं, जैसे हमारे पास साइन है, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट होता है, तो साइन हाइपरबोला एक्स इसके इक्वल है, तो कोसिकेंट हाइपरबोला एक्स कैसे हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, यानी क्या है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना उसको ऊपर ले जाएंगे और न्यूमिनेटर को क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे। मीन्स हमारे पास कोसिकेंट हाइपरबोला क्या बनेगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, कोसिकेंट हाइपरबोला एक्स इक्वल टू टू ओवर ई रेस्ट बार एक्स माइनस ई रेस्ट बार माइनस। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, साइन हाइपरबोला की वैल्यू याद करके हम लोग कोसिकेंट हाइपरबोला एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह हमारे पास कोस हाइपरबोला एक्स है, हम लोग कोस हाइपरबोला एक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, के किसके इक्वल होता है वो सीकेंट के, और सीकेंट किसके इक्वल होता है वन ओवर कोस के, ठीक है ना। तो कोस हाइपरबोला किसके इक्वल होता है सीकेंट के, तो देन हम इसको क्या करेंगे, इसको भी इन्वर्स कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी या नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, सीकेंट हाइपरबोला एक्स इसके इक्वल आ जाएगा टू ओवर ई रेस्ट बार एक्स माइनस प्लस ई रेस्ट बार माइनस एक्स। हमने क्या किया, कोस हाइपरबोला का इन्वर्स फंक्शन निकाला, तो क्या किया है, इसको इन्वर्स कर दिया है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो हमारे पास ये आ जाता है। ऐसे टैन है, टैन का क्या करेंगे, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी एंड नीचे वाली टर्म क्या करेंगे ऊपर चल जाएगी, तो हमारे पास कोट हाइपरबोला की वैल्यू आ जाएगी, कोट हाइपरबोला एक्स की, वो क्या बनेगी, कोट हाइपरबोला एक्स की वैल्यू बनेगी ई रेस्ट पर एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर प्लस माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स। यहाँ पर राइट भी कर देती हूँ, टेन कोट हाइपरबोला एक्स किसके इक्वल आता है, इसको इन्वर्स कर देंगे, ई रेस्ट बार एक्स प्लस ई रेस्ट बार माइनस एक्स ओवर
ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। मीन्स के टैन क्या आता है, सॉरी कॉट क्या आता है, इन्वर्स ऑफ टैन। ठीक है, तो 1 ओवर टैन क्या आता है, कॉट की वजह हम इसको इन्वर्स कर देंगे, कॉट हाइपरबोला की वैल्यू निकालेंगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसके रिस्पेक्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 1.1 में से। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट द आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट है साइन हाइपरबोला 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोला x कॉस हाइपरबोला x। हमने प्रूव करना है इन दोनों साइड से। हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन लेते हैं राइट हैंड साइड में, पहले कि लेफ्ट हैंड साइड है लिखे मेरी राइट हैंड साइड है, मैंने राइट हैंड साइड लिख ली ये वाली साइड, ठीक है, जो कि है 2 साइन हाइपरबोला x कॉस इंटू कॉस हाइपरबोला x। तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनसे मैंने वैल्यूज निकाली, साइन हाइपरबोला x की वैल्यू की ई रेस्ट टू पावर x माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x एंड कॉस हाइपरबोला x की वैल्यू की ई रेस्ट टू पावर x प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ से, तो मेरे पास ये क्या बनता है, यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है ई रेस्ट टू पावर x माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस x इंटू ई रेस्ट टू पावर x प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस, ये चीज़ बनती है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो हमारा फॉर्मूला है। तो इसको अगर a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बनती है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने इसको भी इस तरीके से लिखा, ई रेस्ट टू पावर x रेस्ट टू पावर 2 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस x ई रेस्ट टू पावर 2। तो मैं पावर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्या बनेगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस सॉरी 2x माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x, मल्टीप्लाई कर दिया पावर्स को, डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। तो मैंने आपको इससे बताया था कि ये यहाँ पे अगर हमारा जो कोफिशियंट होगा ना x की पावर के साथ, वो हम लिखेंगे कि उसको हम साइन फार्मूला के साथ लिखेंगे माइनस वाला है, तो क्या बना साइन हाइपरबोला 2x बन गया। तो इस तरह के ये हमारे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, तो हम क्या कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड ये लिख दूंगी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आपको हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट जो कि है सीकेंट हाइपरबोला x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोला स्केयर एक्स। ये हमने इन दोनों को क्या करना है, प्रूफ करना है, दोनों साइड्स को एक बार प्रूफ करना है बाय यूजिंग प्रीवियस फार्मूला जो मैंने अभी आपको करवाई। तो पहले अब हम इसके लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो पहले लिए राइट हैंड साइड जो कि है 1 माइनस टेन हाइपरबोला स्केयर एक्स, ये मैंने साइड ले ली है। अब मेरे पास टेन हाइपरबोला स्केयर एक्स, टेन हाइपरबोला एक्स का फॉर्मूला है, तो मैं क्या करूँगी टेन हाइपरबोला एक्स की जगह उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूँगी जो कि हमने अभी अभी पढ़े, जो कि है ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया और ये क्या है टेन की इसकी पावर स्केयर में है 2 है, तो मैंने क्या किया इसकी होल पावर क्या कर दी 2 कर दी। अब मैं क्या करूँगी ऊपर और नीचे न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया पावर्स को अलग अलग कर दिया, 2 की पावर को अलग अलग करके लिख दिया। अब मेरे पास ये दो फार्मूलाज हैं, a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और नेक्स्ट हमारा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये दो फार्मूलाज हैं, यहाँ पे कैसे अप्लाई होते हैं, जैसे ई रेस टू पावर x माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये क्या बनता है a माइनस बी, हमारा ए क्या होगा ई रेस टू पावर एक्स एंड बी क्या होगा ई रेस टू पावर माइनस एक्स। तो क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्केयर नीचे का बनता है ए प्लस बी का होल स्केयर बनता है। इन दोनों फार्मूलाज को ऊपर नीचे अप्लाई कर देंगे, क्या है ए स्केयर यानी ई रेस टू पावर एक्स का होल स्केयर ए स्केयर प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का बी स्केयर, ठीक है बी स्केयर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बी स्केयर हो गया ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab, माइनस क्या तो क्या होगा माइनस 2ab माइनस 2 रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर माइनस एक्स। तो ये क्या अप्लाई हुआ ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab ऊपर, ठीक है ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब नीचे
ए प्लस बी का होल स्केयर, उसके रिस्पेक्ट हमने ये वाला फॉर्मूला देके नीचे अप्लाई कर दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। अब नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास ये चीज़ अगर हो जाए कि हमारे पास क्या हो, दो चीज़ यहाँ पे आ रहा है ई रेस टू पार एक्स और ई रेस टू पार माइनस एक्स आ रहा है। अब हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है, यानी ई और ई सेम है, दोनों क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। मीन्स हमें ये चीज़ क्या बन जाएगी, एक्स प्लस माइनस एक्स, पावर्स का ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ई रेस टू पार जीरो। तो ये पूरी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, ई रेस टू पार जीरो के इक्वल आ जाएगी। और ई रेस टू पार जीरो हमारा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल हो जाता है। तो इसकी जगह मैंने क्या की, इसकी जगह मैंने ये वाला स्टेप लिख दिया और फिर क्या हो गया, ये पूरी चीज़ हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, वन के। तो यहाँ पर हमारा क्या है, वन आ जाता है। तो वन को टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या रह जाएगा, टू आ जाएगा। तो ये पूरी सात वन 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 सात ऐसे आता रहेगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ पे क्या है, ई रेस टू पार एक्स की पार टू है, तो पार को मल्टीप्लाई कर दिया पार से तो क्या बन गया, ई रेस टू पार टू एक्स बन जाएगा प्लस एज इट इज आ जाएगा, फिर से ई रेस टू पार माइनस टू एक्स बन जाएगा। और ऐसे ही मेरे पास ये चीज़ मैंने समझाई है, ई रेस टू पार एक्स माइनस एक्स माइनस टू ई रेस टू पार एक्स माइनस एक्स आ जाएगा। सेम ऐसे मैंने नीचे वाले पोर्शन में भी यही किया है, ई रेस टू पार टू एक्स बन जाएगा प्लस ई रेस टू पार माइनस टू एक्स प्लस ई रेस टू पार प्लस टू ई रेस टू पार एक्स माइनस एक्स। और ये पूरी चीज़ में बस क्या, वन की इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू पार टू एक्स प्लस ई रेस टू पार माइनस टू एक्स माइनस टू, ये वन कर देंगे तो ये माइनस टू रह जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू पार टू एक्स प्लस ई रेस टू पार माइनस टू एक्स प्लस ई रेस टू पार, यहाँ पे टू रह जाएगा। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम हमारा है ये, ई रेस नीचे वाली चीज़ क्या आती है, न्यूमिरेटर को हम कहते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर को हम कहते हैं एलसीएम, यानी इसके नीचे क्या है, वन। ये दो टर्म्स बनी है ना, एक टर्म ये है वन नंबर वन और एक ये वाली बन गई है। अब दोनों का एलसीएम तो यही आता था ना हमारे पास, तो इसको हम अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इस पूरी चीज़ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे वन से, तो वो ये चीज़ ऐसे ही आ गई, क्या बन गई, ई रेस टू पार टू एक्स प्लस ई रेस टू पार माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है वन से, माइनस साइन ऐसे आ गया, ये वाली ऊपर वाली चीज़ क्या है, एज इट इज़ आ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ऐसे रह दिया, माइनस साइन को क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, ई रेस टू पार टू एक्स प्लस माइनस माइनस ई रेस टू पार माइनस टू एक्स, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस यानी टू। अब देखिए हमारे पास ई रेस टू पार टू एक्स है, यहाँ पे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ ई रेस टू पार माइनस टू एक्स है और ये प्लस में है एक बार माइनस में, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, टू प्लस टू क्या बना, फोर बन जाएगा। तो नीचे वाले को मैंने क्लोज कर दिया, इसको ये वही चीज़ बनती है, इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया, इसको होल पावर में लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्केयर को मैंने होल स्केयर के फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि फोर है, टू का स्केयर हो जाता है, ये भी स्केयर तो मैंने क्या किया, स्केयर को बाहर कर दिया, तो टू ओवर ई रेस टू पार एक्स प्लस ई रेस टू पार माइनस एक्स, ये क्या है, सीकेंट हाइपरबोला का फॉर्मूला है, सीकेंट ये अंदर वाली चीज़ क्या है, सीकेंट हाइपरबोला एक्स का फॉर्मूला है। तो स्केयर है तो इसके ऊपर हाइपरबोला के ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, जो कि हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। सो हमारी क्या है, लेफ्ट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई है। अब इसका और इसी क्वेश्चन के रिलेटेड जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है एक्सरसाइज 1.2, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं इसकी, जो कि ये नोट है, एफ ओ जी ऑफ एक्स जिसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बेसिकली किसके इक्वल है, एफ ओ जी ऑफ एक्स, यानी f के अंदर क्या है, जो x हम लिखते हैं f ऑफ x में, हम जो हम लिखते हैं f ऑफ x लिखते हैं ना, तो यहाँ हमारा x किसके इक्वल आ जाता है, g ऑफ x के, ये चीज़ होती है, यानी f ओ g ऑफ x, जो ऐसे पढ़ते हैं f ऑफ g ऑफ x, ये इसके इक्वल आ जाता है। एंड देन g ऑफ f ऑफ x,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी हमारे पास क्या है, अगर कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स है, अगर हम उसमें एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट कर दें तो क्या बनेगा, जी एफ ऑफ एक्स। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी इसकी। सो मैं इसको अब रेज कर देती हूँ यहाँ से। अब इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द रियल वैल्यू, द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। वो कहते हैं ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये जो उन्होंने पार्ट्स दिए हुए क्वेश्चन के, ये रियल वैल्यूड फंक्शन हैं, हमने इनका क्या फाइंड करना है, फाइंड एफ ओ जी ओ फैक्स एंड बी बार्ट का एफ ओ जी ओ फैक्स, इन फंक्शंस का यूज़ करके। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, हमें इन्होंने दिया हुआ है एफ ओ फैक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड जी ओ फैक्स इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1। ये दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं, हमने इन दोनों फंक्शन इस एक पार्ट को हमने पहले इस चीज़ से प्रूव करना है, फिर क्या करना है, इस चीज़ से हमने सॉल्व करना है, दोनों को लेके हमने सॉल्व करना है। चलें हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, a इज़ इक्वल टू, ए पार्ट क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अभी मैंने आपको नोट करवाया है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारा, ये चीज़ हमारी इसके इक्वल आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन f है उसमें हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, यानी ये जो हमारा फंक्शन f है ना, इसमें हमने x की जगह क्या करना है, ये जो वैल्यू जी ऑफ एक्स की, इसको पुट करना है। चलें पुट करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह मैंने क्या किया, जी ऑफ एक्स लिख दिया यहाँ पे, और जहाँ पे एक्स है वहाँ मैंने क्या लिखा, 3 ओवर एक्स माइनस 1, यानी जी ऑफ एक्स की वैल्यू डाली है। क्या करना है, एफ फंक्शन में हमने जी ऑफ एक्स को पुट करना है, तो मैंने क्या किया, एक्स की जगह पुट कर दिया है 3 ओवर एक्स माइनस 1 जो कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, प्लस आगे आता है प्लस माइनस प्लस 1। अब इसको अगर मैं मोर सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, तो मेरे पास क्या बना, 6 ओवर एक्स माइनस 1 और ऊपर क्या आ गया, साथ में प्लस आ जाता है। अब मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया है, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से एक्स माइनस 1 को, तो मेरे पास क्या चीज़, ये चीज़ आ जाएगी 6 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो 5 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1 बन जाता है। तो हमारे पास क्या आया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। इन क्वेश्चन में करना क्या आता है कि एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन की वैल्यू पुट करनी होती है, यानी दूसरा फंक्शन पुट करना होता है। अब इस तरह आप इसका बी पार्ट करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसी पार्ट के रिलेटेड हम ये वाला पार्ट प्रूव करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम जानते हैं कि जी ऑफ, इसका मतलब ये है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का, इसको इस तरीके से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका लिखने का ये भी तरीका है। इसका मतलब क्या है कि जी फंक्शन में हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, मीन्स के हमारे पास ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये पूरा जो है इसमें हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एफ ऑफ एक्स को इसमें पुट कर देना। चले मैं एक्स की जगह मैंने क्या डाला, एक्स की जगह मैंने लिख दिया है जी ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स लिखा है जी, मैंने यहाँ पे जी ऑफ एक्स के एक्स की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके एक्स की जगह मैंने जो इसकी ये वाली वैल्यू थी वो लिख दी, क्या बना, 3 ओवर 2x प्लस 1 माइनस 1। सिंप्लीफाई किया तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बना, 3 ओवर 2x जो कि हमारी वैल्यू है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम इन क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इंसर्ट करते हैं, ठीक है, एक फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरे फंक्शन की एक फंक्शन को एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में इंसर्ट करते हैं एंड अदर फंक्शन बनाते हैं। सो आप इसके नेक्स्ट पार्ट्स को ट्राई कीजिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।